Good morning, students. Today I will talk about exercise 7.9. Exercise 7.8 we all complete yesterday, and now exercise 7.9. So get ready. Before the starting exercise, we are discussing about multiplication of proper fractions. Then multiply the numerator of the fraction, we get a new numerator. जब हम numerator जो fraction होता है उस पर numerator में multiply करते हैं तो हमको एक नया numerator मिलता है. The product of the denominator of the fraction is denominator of the new fraction. और जो उसका product आता है multiply का वो हमारा denominator बन जाता है उस fraction का और हमें एक नया fraction मिल जाता है. Example, find 2/3 of 3/4. ये ऑफ का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है. देखिए यहाँ पर लिखा है ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ इसका मतलब है मल्टीप्लाई. देन 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ वही रखा गया. अब हमको यहाँ इसको प्रॉपर वे में कट कर देना है. देन अब ये 2 से 4, 3 से 3, तो यहाँ 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ कितना है 1 1 1 2, तो 1 1 की 1 आएगा, फिर 2 बन जा 2, तो 1/2, ये इसका आंसर होगा. अब सेकेंड वाला जैसे सेम प्रोसेस, अब 4/11 मल्टीप्लाई 22/36, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो हमारे पास क्या आया 1 2 1 9, तो 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, तो 2/9 ये हमारा आंसर हुआ. जैसे 3, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने हैं, 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं. देन 4/7 मल्टीप्लाई 5/11 मल्टीप्लाई 2/3, देन इक्वल. अब इनका हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 5 जा, फिर जितना आंसर आएगा 4 5 जा 20, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करें 22 जा 40, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई का पूरा वो हमारा आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे करना है, मिक्स को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करते थे, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं. सो अगर नहीं देखा तो आप पहले एक वीडियो देख लीजिए. देन 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 1/5, इसको फ्रैक्शन करेंगे. कैसे करेंगे, अब यहाँ 2 होल 2/3, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना है हमारा 8/3. देन मल्टीप्लाई, अब इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना है 11/5. अब ये कैसे आया आप इसके लिए लास्ट वीडियो देखिए, मतलब पिछली वीडियो देख लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा. अब सिंपली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 8 11 यानी 11 8 जा 88, देन हमारा आंसर कितना है 88/15. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे, 15 5 सा, फिर उसमें 30 प्लस कर देंगे तो 88 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 15 रहेगा. अब ये कैसे हुआ चेंज, ये भी लास्ट वीडियो पिछली वीडियो देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा. देन एग्जांपल, फाइंड 7 होल 2/7 मल्टीप्लाई 2 होल 1/17, अब इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने में जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, कट करना है. अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, दोनों कितना है 51/7 मल्टीप्लाई 35/17. अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यहाँ 1 आया यहाँ 5. अब यहाँ 17 17 1 जा 17, 73 जा 51, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 3 5 1 1, तो हमारा 3 और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 तो 1 ही रहेगा, कोई बात नहीं. और 3 5 5 3 जो 15, तो सॉरी हमारा 15 आ जाएगा आंसर. अब सेम वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम दिया है कि राज हैज़ 45 मार्बल्स ऑफ विच 2/5 आर ब्लैक मार्बल. राज के पास 45 मार्बल हैं जिसमें से 2/5 ब्लैक हैं और 1/9 ग्रीन हैं, एंड जो जितनी बची अब उसके बाद हमारे वाइट हैं. तो हाउ मैनी वाइट मार्बल डज ही है, उसके पास कितने वाइट मार्बल हैं. अब आपको क्या करना है कि टोटल तो उसके पास 45 है, हमको पता है 45 का सबसे पहले हम 2/5 पार्ट निकालेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 मल्टीप्लाई 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45,
तो अब नेह का आया 9 आया, अब यहाँ 2 है तो 9 2 18, तो हमारे कितना आंसर आया 18, यानी कि 45 में से 18 मार्बल हमारी ब्लैक है। अब इसी तरह हमको ग्रीन वाली निकालनी है 1/9 से, अब 9 1 9 45, 9 5 45, देन 5 हमारा आंसर। अब 18 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 23, ये ब्लैक एंड ग्रीन, अब इसको प्लस कर दिया 45 टोटल थी, तो 23 माइनस कर दिया कितने बचे 22, तो जो 22 बचे हमारे कितने वाइट मार्बल हैं, दैट्स द आंसर। एग्जाम्पल, फिर है ममता परचेस्ड 1 whole 1/2 kg ऑफ शुगर, ममता ने 1 whole 1/2 kg शुगर खरीदी और उसका 1/4 यूज़ कर लिया, तो हाउ मच शुगर लेफ्ट, तो कितनी चीनी हमारी बची, तो उसने टोटल कितनी खरीदी थी 1 whole 1/2 kg, देन उसका यूज़ कितना हुआ 1/4, तो अब 1 whole 1/2 = 1/4, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2 1 2 1 3 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई किससे 1/4 से, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, 3 1 3, तो कितना है हमारा 3/8। अब 3/8 जो हमारा टोटल केजी था, इसमें से 3/8 माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है 3/2, तो 3/2 से 3/8 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, बट यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो माइनस नहीं होगा, तो पहले क्या करेंगे मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, देन अब जब इक्वल करेंगे 8 में, तो यहाँ 8 है, यहाँ इसको 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया इसमें 4 गया 3 4 12, तो 12/8 आ गया माइनस 3/8, अब 8 से 8 माइनस 8, 12 से 3 माइनस 9, देन हमारा कितना आया 9/8 हमारा आंसर, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 8 1 8 1 9 9/8, ये भी हमारा आंसर है। तो उसने कितनी शुगर बची है उसके पास, तो 1 whole 1/8 kg शुगर इज लेफ्ट, ये हमारा इसका आंसर होगा। सो गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज 7.9। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड, ओनली फाइंड आपको फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 8 2/3 of 5, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/3 में 5 को मल्टीप्लाई करना है सेम, अब आपको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने जितना आंसर आए वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। देन आपको करना क्या है, क्वेश्चन है 8 2/3 × 5, ऑफ का मीन्स 5, तो अब इसको सिंपली हमको डिवाइड करना है, 3 से 5 डिवाइड इक्वल नहीं होगा, देन हमको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो कैसे करेंगे 2/3 × 5, तो यहाँ देखते हैं 2/3 × 5, जब इसमें से डिवाइड नहीं होगा इक्वली देन, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे 2 × 5/3, तो 5 2 10 10/3, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे 3 3 9 1 10, यानी कि 3 3 9 1 10, तो 3 whole 1/3 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 1, जैसे सेकेंड हमारा क्या है 3/8 of 4, यानी कि 3/8 × 4, तो 3/8 × 4, अब इसमें से ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली, तो 4 1 4 4 2 8, देन हमारा क्या आया 3/2 × 1, तो अब हमारा आंसर क्या होगा इसका सिंपल 3/2, यानी 2 1 2 ही आएगा और 3 1 3 ही आएगा, तो 3/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपली आपको सारे क्वेश्चन डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मल्टीप्लाई एंड राइट योर आंसर इन द लोवेस्ट फॉर्म, अब सबसे छोटी फॉर्म तक आपको मल्टीप्लाई करना है और सही से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए 2/5 × 1/3, तो 2/5 से 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे 2/5 × 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 1 2 5 3 15, तो कितना आंसर है हमारा 2/15, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्या है हमारा 3/5 × 4/9, तो 3/5 × 4/9, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 45, और 3 4
12 भैया, अब सबसे लोवेस्ट फॉर्म में जाना है, अभी तो ये डिवाइड हो जाएगा। देन अब ये कौन से टेबल में ये दोनों इक्वली हमारे डिवाइड हो जाएंगे, ये सर्च करिए एंड फाइंड कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो किस टेबल में 12 भी आएगा, 45 भी आएगा, ठीक है। देन तो हमको क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर देना। तो ये हमारे 3 के टेबल से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो कितना है, 4 से हमारा कट गया। तो अब ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 15 45, यानी 15 3 45 होता है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 15। तो 3 से काटा है ना, 3 15 45, 3 4 12, तो कितना है हमारा, 4/15, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड नहीं हो सकता बराबर इक्वल, दोनों टेबल आएंगे नहीं किसी भी टेबल में, तो ये हमारा आंसर होगा 4/15। देन क्वेश्चन नंबर 3rd इज 7 होल नंबर है, 7 × 5 होल 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, 7 × 5 होल 1/5। अब इसको कैसे करोगे, तो पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो 7 × 5 5 = 25 25 1 26/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब 7 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, सिंपल कटेगा नहीं पूरा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 × 7/5। अब 26 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 182/5, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है। देन अब हमको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के क्या करना पड़ेगा, तो 5 से इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो जितना क्वाटेंट आएगा वो हमारा होल नंबर होगा और रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। देन तो हमारा आंसर होगा 36 होल 2/5, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd इज 12 × 3 3/4। तो क्या है हमारा, 12 × 3 होल 3/4। सेम कंडीशन ऐसे ही 12 × 3 3/4। तो कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले हम कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो 12 × 4 3 12 12 3 15 15/4। अब आया, अब चाहे इधर से रखें चाहे इधर से रखें, ठीक है। अब तो इसको करेंगे 4 1 4, अब ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली। अब 4 3 12, कितना है हमारा, 3 × 5 = 15 है, तो 15 3 = 45, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करनी है, लिखा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन एन ऑडिटोरियम, ऑफ दीज स्टूडेंट 1/5 आर गर्ल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। टोटल हमारे कितने हैं ऑडिटोरियम में, 50 स्टूडेंट यानी 50, उसमें से 1/5 यानी 1/5 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो सिंपली हम 1/5 × 50 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा इसका होगा, यानी 5 1 5 5 10 50, तो 10 1 10, यानी कि 10 हमारी टोटल गर्ल है। बी नंबर, आ बुक हैज़ 250 पेजेस, एक बुक में 250 पेज है। आई रीड 1/5 ऑफ इट, मैंने इसमें का 1/5 पार्ट पढ़ लिया है। तो हाउ मैनी पेजेस हैव आई रीड, तो मैंने कितने पेज पढ़ लिए हैं। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट, और कितने पेज बाकी हैं। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 5 से 250 को, देन जो आंसर आएगा वो हमारा इसमें का पेज होगा, फिर टोटल 250 से जो हमारा आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे, वो हमारे बचे हुए होंगे। देन सी जेसिका बॉट 5/8 ऑफ 1 kg स्वीट्स, 1 kg का 1/5/8 पार्ट जेसिका ने खरीदा, एंड 8 1/5 और उसमें का 1/5 पार्ट खा लिया। हाउ मच ग्राम्स ऑफ द स्वीट
सी 8, वो उसने कितने ग्राम स्वीट खा ली। अब 1/8 का, सॉरी 1 kg का 5/8 पहले निकालेंगे, फिर उसमें का जितने आंसर आएगा उसमें से इसको निकाल लेंगे, ठीक है, जितना आएगा वो हमको ग्राम में मिलेगा। सी डी नंबर, आ मैन अर्न्स रुपीज 10,000 इन अ मंथ, एक आदमी 10,000 रुपये महीने में कमाता है। ही स्पेंड 1/5 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट, और उसमें का 1/5 पार्ट हाउस रेंट में दे देता है और 1/2 पार्ट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। देन हाउ मच डू ही स्पेंड ऑफ ईच ऑफ दीज, तो उसने कुल टोटल कितना खर्चा किया। पहले 10,000 का 1/5 पार्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जितना आएगा उसको अलग करके, फिर 10,000 में 1/2 पार्ट निकालेंगे, जितना आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, वही हमारा स्पेंड वाला आ जाएगा। आ पार्क हैज़ पेरीमीटर ऑफ टू होल 1/3 किलोमीटर्स, एक पार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वो टू होल 1/3 किलोमीटर का है। तो इफ़ आ बॉय टेक 3 राउंड ऑफ इट, यदि एक लड़के ने वहाँ 3 राउंड चक्कर लगाए, तो हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही रन, तो वो कितने किलोमीटर दौड़ा। अब उसमें का आपको निकालना है कितना, 3 राउंड, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एफ आ ग्रोसरी स्टोर रिसीव्ड 112 बैग्स ऑन अ डे, एक ग्रोसरी स्टोर 112 बैग हर डे रिसीव करता है। 1/2 बैग्स कॉन्टेंट वेजिटेबल, जिसमें से 1/2 बैग्स वेजिटेबल होते हैं। देन रेस्ट एंड द रेस्ट बेकिंग आइटम, और कुछ अलग पकाने वाले आइटम होते हैं। ऑफ द वेजिटेबल बैग्स, उन वेजिटेबल्स बैग्स में 1/7 इंच पोटैटो, और जो वेजिटेबल बैग आते हैं उनमें से 1/7 पार्ट पोटैटो के हैं। और हाउ मैनी बैग्स पोटैटो डिड ही द स्टोर रिसीव ऑन अ डे, तो टोटल वेजिटेबल्स में से 1/7 पार्ट पोटैटो के होते हैं, तो उसमें पोटैटो के कितने बैग हैं जो एक दिन में उसको रिसीव हुए। तो ये आपको सर्च करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।